गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, अभी हो गए सुबह के 8 और मैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो मैं बनाऊँगी आज पराठा चौकोर वाला और पत्ता गोभी चना दाल डाल के सब्ज़ी बनाऊँगी। ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है, तो मैं चना दाल को धो के रख दी थी 1 घंटा पहले ही साफ़ करके, और ये पत्ता गोभी और आलू को काट के एक साथ धो के मैं छान ली थी एक छलनी में ताकि इसका पानी अलग हो जाए। अब मैं ली हूँ एक छोटा प्याज, हरी मिर्च और धनिया, थोड़ा सा धनिया पत्ता है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको भी मैं पीस के रखती हूँ पहले से ही ताकि टाइम थोड़ा हमारा बच जाए। और ये कुछ सूखे मसाले हैं, धनिया पाउडर है 2 चम्मच जैसे, और आधा चम्मच होगा हल्दी, एक आधा चम्मच मिर्ची और थोड़ा सा नमक है, और टमाटर है। टमाटर एक बड़ा ली थी मैं। अब मैं तेल डाल दी हूँ कढ़ाई में, तेल मेरा गर्म हो गया, मैं प्याज वगैरह जो काट के रखी थी उसको डाल दी हूँ। धनिया पत्ता थोड़ा सा ही 1 टेबल स्पून डाली हूँ ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा आ जाए सब्ज़ी में, अच्छा आता है। आप इस तरह से कभी बना के देखना सब्ज़ी अपने घर में। और जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसको भी मैं इसी में डाल दी हूँ। मैं टमाटर मतलब प्याज के लाल होने का वेट नहीं करूँगी, लाल नहीं करना है प्याज को। अब क्या करेंगे हम लोग, जो सूखे मसाले में हल्दी था ना, हल्दी को हम लोग डाल देंगे। अब सबसे पहले हल्दी डालेंगे, हल्दी का क्या है थोड़ा सा फ्लेवर पूरे सब्ज़ी में आ जाए। मैं हमेशा सूखा सब्ज़ी बनाती हूँ तो हल्दी को मैं पहले तेल में ही डाल देती हूँ, बाकी सूखा मसाला मैं बाद में डालती हूँ, मुझे ऐसे ही ठीक लगता है, मुझे यही अच्छा लगता है टेस्ट। अब मैं सब्ज़ी को जो धो के रखी थी उसको मैं इसी में डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी, पूरी तरह से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे हम लोग सारी सब्ज़ी को। और ये बहुत हेल्दी होता है ब्रेकफास्ट, ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और चना दाल भी मैं डाल दूँगी दोनों, चना दाल और पत्तों को भी दोनों को एक साथ ही डाल दूँगी। और जैसे कि बताई मैं पहले, आलू भी मैं 2 ठोक छोटा सा वो डाल दी थी मैं काट कर, अच्छा लगता है ये कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट इसका। और पराठे के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, सुबह के नाश्ते में ये बनाओ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं इसको डाल के मिक्स कर दी हूँ। अब जैसे ये सब्ज़ी अपनी हो रही है, लगभग भून रही है, इसमें अभी पानी हल्का सा क्योंकि पत्ता गोभी है ना तो पानी छोड़ रहा है, तो अभी इसको मैं ढाक ही नहीं हूँ क्योंकि ढाक दूँगी तो पूरी सब्ज़ी एकदम से गीली गीली हो जाएगी। तो अभी थोड़ी देर खुला ही रखूँगी इसको, हल्का सा मैं 2-3 मिनट जैसा खुला ही रहेगा ताकि इसमें एकदम गीलापन ना आए, क्योंकि मुझे अभी इसमें नमक वगैरह भी ऐड करना है ना, तो अभी नमक डालूँगी तो और इसमें पानी छोड़ देगा ये। तो तब तक मैं इसका जो मॉइस्चर है पत्ता गोभी का उसको पहले हटा लूँगी पानी नमक वगैरह डालने से पहले। अब मैं 2 मिनट बाद ढक दूँगी इसको क्योंकि मॉइस्चर ऑलमोस्ट चला गया है इसका। अब देखते हैं 2 मिनट बाद हल्का, हाँ इसका मॉइस्चर बिल्कुल चला गया है। तो अब मैं ये जो मिर्च, धनिया और नमक ये डाल दूँगी जो सूखा मसाला था, क्योंकि इसका मॉइस्चर अब हट गया है तो अब ये हम डाल सकते हैं। तो जो पत्ता गोभी का जो पानी हट गया है, अब क्या होगा नमक हम डाल देंगे तो नमक का जो पानी हल्का सा छूटेगा तो उसी में, अगर थोड़ी बहुत कच्ची रहेगी सब्ज़ी तो नमक के पानी में ही ये सब्ज़ी गल जाएगी और हम लोग को ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। तो मैं इसी तरह से मिक्स कर दी हूँ और पूरी सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर दी हूँ मसालों के साथ, और थोड़ा सा ढक दी हूँ, बस थोड़ा देर ही ढकना है, समझो करीबन 5 मिनट ढक दी हूँ। अब देखते हैं, देखिए हमारी सब्ज़ी पूरी गल गई है और एकदम भुनी भी नहीं चाहिए, लाल लाल वाली सब्ज़ी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि चना दाल है तो वो पसंद नहीं आएगा सर, लाल लाल रहेगा। तो देखिए अब हमको चेक कर लेना है कि आलू गला है कि नहीं, तब जाके हमको टमाटर डालना है। तो मैं चेक कर ली थी, मेरा आलू गल गया था तब जाके मैं टमाटर डाली हूँ और टमाटर के लिए जगह बना के डाली हूँ। अब मैं इसको ढक दूँगी। अब ढकने के थोड़ा देर बाद, कम से कम 2-3 मिनट बाद, अगर टमाटर थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो हम देख लेंगे कि हमारा टमाटर हुआ है कि नहीं। टमाटर तो वैसे गला नहीं है पूरा, लेकिन थोड़ा नरम हो गया तो चम्मच से इस तरह से मैशर टाइप से इसको मैश कर लेंगे, तो उससे क्या होगा टमाटर और सारी सब्ज़ी में पूरा फ्लेवर चला जाएगा और बहुत अच्छा ही टेस्ट आएगा। आप यकीन मानिए मैं हमेशा से इस तरह से ही बनाती हूँ सब्ज़ी। टमाटर तो कभी अलग अलग किस्म के रहते हैं टमाटर, कोई टमाटर जल्दी गल जाते हैं, कोई टमाटर नहीं गलते हैं, थोड़े देर से गलते हैं, तो उससे ज़्यादा कोई मसला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है, मैं सबसे थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दी हूँ और मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ये हो गया, धनिया पत्ती के जो डंठल होते हैं ना, जो उसके बारीक बारीक छोटे छोटे, वो भी मैं डालती हूँ, उसको मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ या नहीं करती हूँ, क्योंकि उसी में ज़्यादा खुशबू रहती है अच्छी, वही उसका असली टेस्ट। अब मैं पराठा बना ले रही हूँ, चौकोर पराठा बनाना है मुझे, चौकोर पराठा ही अच्छा लगता है।
तो मैं इस तरह से बना सरफेस पे ही बनाती हूँ उसको, साफ़ सुथरा करके। तो ये घी डाल रही हूँ मैं, घी वाले पराठे बनाऊँगी। घी भी मैं घर में ही निकाली हूँ, ये मेरे घर का ही घी है। मेरे को मार्केट का भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, पता नहीं कैसे बना है, होता भी है कि नहीं घी। तो मैं घर पे ही घी निकालती हूँ और उसी घी से ही पराठे मैं हस्बैंड के लिए बना रही थी नाश्ता, तो मैं उन्हें कोई बना के दे रही हूँ, मुझे यही ठीक लगता है। तो देखिए आप इस तरह से बनाइए कभी सब्ज़ी, ट्राई करिए और बताइए कमेंट करके कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। अब मेरा पराठा लगभग सीखने वाला है, तो आप लोग कैसे ट्राइंगल पराठा बनाते हैं कि चकोर पराठा, वो भी आप लोग बताओगे। जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं कोई प्रोफेशनल कुक तो नहीं हूँ, लेकिन बस एक मेरे जो रूटीन है, मेरी जो तरीका है, वही मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है सच कहूँ तो देखिए इस बातों बातों में ही हमारा पराठा भी हो गया है। मैं ऊपर नीचे मैं एकदम, और पराठा भी मैं बहुत ज़्यादा सेकती नहीं हूँ, बस थोड़ा सा ये पक जाए और हल्की हल्की थोड़ी ब्राउन लेयर दिखे, बस मैं उसी में ही फ्लिप कर देती हूँ पराठे को। मुझे एकदम जला जला पराठा पसंद नहीं है। तो देखिए हमारी सब्ज़ी और पराठा हमारी बिल्कुल तैयार है, तो आते हैं ब्रेकफास्ट में, चलिए मिलते हैं।